TBN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। गैंगस्टर दीपक टीनू की सहेली मवई तो गिरफ्तार। सरना भरावां ते श्रोमणी अकाली दल का आपस विच होया रलेवां। डेरा मुखी नूं फिर तो पैरोल देण दी तैयारी। हरियाणा विच 7 साला बच्ची नाल जबर जनाह तो बाद कर दिता गया कतल। शहनाज गिल दे पिता नूं धमकी देण वाले दा खुलासा। साबका राजपाल सत्यापाल मलिक तो CBI ने कीती पुछगिछ। हरियाणा सरकार ने कुर्सी डाउन नूं लैके पाया रौला। दोस्तों ये कुछ जानकारियां ने जिन्हां दे उत्ते विस्तार दे नाल गलबात करांगे। इहदे तो पहला कि इन्हां दे उत्ते विस्तार दे नाल गलबात कीती जावे, तुहानूं सबनां नूं बेनती है कि पहला प्रोग्राम देख लेना, सुन लेना, जेकर चंगा लग्गिया फिर लाइक अते शेयर जरूर कर देना। दूसरी बेनती ये कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी। इहदे तो पहला कि इह सारियां जानकारियां दे उत्ते विस्तार नाल आपां गल करदे जाइए, दो बेनतियां होर ने। एक प्रोग्राम अप टू डेट आ, जिस दे विच बगैर किसी जिम गया बगैर कोई पैसा धेला टका खर्चा किवें अपने शरीर की संभाल कर सकते हैं, जरूर देख लियो। तो एक कहानी है खून का रिश्ता, सचमुच उहदे विचों बड़ा कुछ सीखण वाला है, जरूर वेख लियो। तो आओ हुण गल करते हैं आपां इन्हां खबरां दी, इन्हां जानकारियां दी। सिद्धू मूसेवाला दा कतल केस चर्चा च है। कतल केस दे विच शामिल गैंगस्टर दीपक टीनू भी अजकल चर्चा च है। इकला दीपक टीनू ही नहीं, नाल साबका, हुण तां बर्खास्त हो गया ना, हुण साबका बन गया CIA इंचार्ज प्रितपाल, वो भी चर्चा च है। सिर्फ उही नहीं, दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड जिहड़ी एक छपैटण है वो भी चर्चा च है। ते हुण जानकारी ये है कि दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड नूं पंजाब पुलिस ने मुंबई हवाई अड्डे तो गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर लॉरेंस का साथी है दीपक टीनू। 1 अक्तूबर की रात को CIA इंचार्ज प्रितपाल सिंह के घरों फरार होने वो कामयाब हो गया सी। गिरफ्तार की गई महिला की पहचान जतिंदर कौर उर्फ ज्योति देओल के रूप में की गई है। दसिया जा रहा कि वह मुंबई तो मालदीव भज्जण की फिराक में सी। पंजाब के DGP गौरव यादव ने उचेचे तौर पर ट्वीट करके ये जानकारी दी कि गैंगस्टर दीपक टीनू पुलिस कस्टडी के भजाने वाली महिला इंटैलीजेंस की सूचना से मुंबई के हवाई अड्डे तो गिरफ्तार कर लिया गया है। जदों कि दीपक 9 दिन बीत जाने तो बाद भी पता नहीं कित्थे है, उहदा हाले तक पुलिस हथ कोई सुराग नहीं लग सकिया। ज्योति देओल नूं अदालत में पेश किया गया तो जिथों उसका 5 दिन का रिमांड ले लिया गया। जानकारी के अनुसार टीनू की गर्लफ्रेंड नूं AGTF अते पंजाब पुलिस के वलों सांझे ऑपरेशन के दौरान मुंबई एयरपोर्ट तो गिरफ्तार किया गया है। अदालत के रिमांड के विच हुण उह तों पुछया जाऊगा कि प्रितपाल दे नाल कदों तो जानकारियां सी। संभावना यह भी पुछया जाए कि की कहा जा रहा कि 3 दिन हो गए सी तुहानूं आपस च मिलदिआं नूं, ते तुहानूं मिला रहा सी प्रितपाल। की सचमुच 3 ही दिन हो गए सी जां वध हो गए सी? की सचमुच ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਫੋਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀ, ਖੇਪ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? होर किड़े-किड़े गैंगस्टर ने जिन्होंने इस भजन की योजना उन्हें शामिल किया सी? तुहानूं लुधियाणे तो मानसा कौन लैके आया? मानसा प्रितपाल के घरों भज के कित्थे गई? किहदे कोल लुकदी रही? किने पनाह दिती? किने पैसा धेला दिता? बहुत सारे सवाल ने। इस रिमांड के दौरान डूंघाई नाल पुछगिछ की जाएगी। वेखदे हां, उम्मीद है कि बहुत सारे खुलासे होने की संभावना है। कि दूसरी जिहड़ी गर्लफ्रेंड एक होर दसी जा रही है वह कौन सी? कि तुसीं आपस दे विच जाणदियां हो, एक दूसरे की जानकारी है। जिहड़े नौजवान हथियार बंद आए सी एंडेवर अते दूसरे फारचूनर दे विच, कि उन्हां बारे कोई जानकारी है? बहुत सारे सवाल ने। तो दूसरे पासे ਟੀਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ, कौन साजिश के विच शामिल, उम्मीद है कि वड्डे खुलासे होणगे। हुण इस गिरफ्तारी तो बाद एक बारी फिर उम्मीद बजी है कि पुलिस इस वक्त हत्थ ते हत्थ धर के नहीं बैठी। पुलिस इस वक्त इस केस नूं दरअसल किसी किनारे लाउणा चाहुंदी है। तुहानूं इह भी याद होणा है कि जदों पहलां भी सारे दे सारे सिद्धू मूसेवाले नूं कतल करन तों बाद भज गए सी। हर रोज़ हुंदा सी कि नवी गिरफ्तारी होएगी कि सारे गिरफ्तार कर लए जाणगे। एक एक करके सारियां गिरफ्तारियां ते दो गैंगस्टर पुलिस मुकाबले दे विच हलाक हो गए सी। हुण टीनू फरार है, वो सिरे दा अपराधी भी है। उहनूं फड़न दे लई आ जिहड़ी उहदी गर्लफ्रेंड फड़ी गई है, उम्मीद है कोई ना कोई क्लू जरूर देवेगी। अगलेरी जांच इहदी जारी रहेगी। दसना बनता है कि दीपक टीनू के फरार होने दे विच सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह दी हाले तक अहम भूमिका सामने आई है, जिस तो बाद पंजाब पुलिस नूं तुरंत फौरी प्रभाव दे नाल बर्खास्त कर दिता सी। ते मामले की जो जांच की गई सी उदों पता लग्या सी कि दीपक टीनू नूं उहदी गर्लफ्रेंड मिलण आई सी ते उहनूं मिलाउण दे वास्ते प्रितपाल अपनी प्राइवेट गड्डी च अपनी रहायश ते लेके आया सी। हुण इह वी जानकारी मिली है कि गिरफ्तार की गई महिला लुधियाना जिले के खडूर पिंड की रहने वाली दसी जा रही है और मानसा पुलिस ने उहदे पिंड दे विच भी ऐतवार की शाम छापा मारिया सी। यह भी दसिया जा रहा है कि तरन तारण जिले की गोइंदवाल साहब जेल के विच टीनू के भजन की योजना तैयार की गई सी। गैंगस्टर टीनू पंजाब तो बाहर निकल चुका है, इस गल तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो संभावनावां यह भी ने कि नेपाल के रस्तियों वो विदेश भी उड़ारी शायद मार गया हो। दसना बनता कि दीपक टीनू 1 अक्तूबर नूं फरार होने विच कामयाब हो गया सी। उस वक्त तो मानसा दे सीआईए स्टाफ दी गिरफ्त विच सी अते उथों दा इंचार्ज प्रितपाल उहनूं अपनी प्राइवेट गड्डी विच अपनी रहायश ते उहनूं गर्लफ्रेंड नूं मिलवाउण वास्ते लिआया सी, जिथों उह फरार हो गया सी। पुलिस जांच दे विच हुण तक सामने आया कि दोषी सब इंस्पैक्टर लगातार 3 दिन तों ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आ खबर उस चीज़ नूं तस्दीक करूगी। पंथक ते पंजाब दी राजनीति दे विच इक अहम घटनाक्रम वापरिया। परमजीत सिंह सरना दी अगवाई वाली अकाली दल दिल्ली उस पार्टी दा रेमा श्रोमणी अकाली दल बादल दे विच हो गया। इस घटनाक्रम नूं सिख ते पंजाब दी राजनीति विच अहम मोड़ अते धार्मिक ते सियासी तौर ते वड्डा घटनाक्रम दस्सिया जा सकदा है। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने परमजीत सिंह सरना नूं पार्टी दिल्ली की जिहड़ी इकाई है उहदा प्रधान भी नियुक्त कर दिता है। उहनां नूं पंथ नूं एक पंथक झंडे थले एकजुट करन वास्ते मुहिम विढण वास्ते भी आख दिता है। दसना बनदा कि अकाली आगू अवतार सिंह हित दे देहांत तो बाद यह अहुदा खाली पिया सी। यह भी दसना बनदा है कि जिहड़ियां दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां चोणां होईयां सी, श्रोमणी अकाली दल की टिकट ते जिते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौजूदा मैंबरां ने कुछ समय तो बाद श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट बना लिया सी ते उहदे नाल अकाली दल नूं करारी सट लगी सी अते इस धड़े कोल सिर्फ 2-3 मैंबर रह गए सी, जदों कि सरना धड़े दे कोल 14 मैंबर है। सिख राजनीति विच लगभग 20 साल सियासी शरीक रहे ने। श्रोमणी अकाली दल दिल्ली बना के श्रोमणी अकाली दल बादल दे अते हुण फिर इन्हां दा आपस दे विच रलेमा हो गया, एक दूसरे नूं जफियां पा लईयां ने। इस मौके संबोधन करदिआं सुखबीर सिंह बादल ने सरना नूं आखिआ कि ओह होर राजां विच पार्टी दीआं इकाइयां स्थापित करन। उन्होंने सिख कौम दे गदारां ते कालियां भेडां दी जोरदार नखेधी भी कीती ते किहा कि अज दे घटनाक्रम दे नाल अजिहे लोकां ते उन्हां दे सियासी अकावां दा भोग पैण दा सबब बन गया। शब्द काफ़ी सख्त वरते जदों सुखबीर बादल भाषण दे रहे सी। उन्होंने पंथ के गदारां नूं जोरदार नखेधी करदिआं कहा कि सिक्खी दा बाणा पा के सिख कौम के विरोधियों के नाल रल के सिख विरोधी साजिशों नूं उह अंजाम दे रहे है। हालांकि जिहड़े शब्दां दा उह जिक्र कर रहा है दूसरे पंथक आगू कहाउण वाले इस तरह के दोष वह श्रोमणी अकाली दल ते लाउंदे है। खैर उन्होंने आख्या कि यह पंथक एकत्रता ने सिख कौम नूं दरपेश चुनौतियों नूं मात देण दे लई पंथक सुरजीती का एक संकेत दे दिता है। उन्होंने परमजीत सिंह सरना ते हरविंदर सिंह सरना अते उन्होंने समुची टीम ते समर्थकों के वलों इस कार्य के वास्ते डटवी हमायत लई धन्नवाद भी किया। उन्होंने कहा कि संकट के समियां ने हमेशा खालसा पंथ नूं एकजुट भी किया अते नाल समय-समय ते मजबूत भी किया है ते खालसा पंथ पंथक ते इतिहासक संस्थावां नूं जिहड़े लोग कमज़ोर कर रहे ने, जिहड़े लोग साजिशां घड़ रहे ने, उन्हां दे खिलाफ एके दी लड़ी एक वड्डा संदेश है। हरियाणे दे विच वक्री गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं मानता दी गई है। वो कहते यह भी श्रोमणी कमेटी को दरअसल कमजोर करने का यत्न किया जा रहा है। इन्हां बाहरी हमलों ते अंदरूनी गदारां दीआं साजिशां नूं मात पाउण दे वास्ते सुखबीर बादल कहते पंथक एका समय की लोड़ है। इस मौके संबोधन हुंदिआं परमजीत सिंह सरना ने भी कहा कि उन्होंने कदे भी अकाली दल नहीं छड्डिया अते वो हुण भी पार्टी के वफादार सिपाही है। उन्होंने हमेशा पंथ के भले वास्ते काम किया अते उन्हां नूं जिहड़ी नवीं जिम्मेवारी सौंपी गई है उन्होंने तनदेही नाल निभाउंदे रहणगे। वो कहते जिन्हां ने श्रोमणी अकाली दल की टिकट ते दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां लड़ियां, चोणां जित्तियां अते फिर गदारी कीती, वो हुण भी पंथ ते गुरु साहब तो भुल बख्शा लैण अते अपनी मां पार्टी विच वापस आ जाण। दसणा बनदा कि बीते लंबे समय तो लगभग 20 सालां तो सरना भरा ते अकाली दल बादल वाले आगू एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानबाजी करते रहे है। बादलों नूं चोर उचक्के आखते रहे है, बादलों नूं बेअदबी करवाउण वाले आखते रहे है। पर मैं जिथों खबर की शुरुआत की सी कि राजनीति विच कोई पक्के तौर पर दुश्मनी नहीं हुंदी ते पक्के तौर पर मित्रता नहीं हुंदी। ते हुण आपां गल करदे हां डेरा मुखी दी। डेरा सिरसा के मुखी ने गुरमीत राम रहीम। इस बार वो जेल च बैठिया पर एक बार उन्होंने फिर जेल तो बाहर कड्ढण दीआं तैयारियां इस वक्त हो रही ने। कहण दा भाव राम रहीम नूं पैरोल देण दी तैयारी की जा रही है। दसणा बनता है कि डेरा मुखी इस वक्त हरियाणा की रोहतक की सुनारिया जेल के विच नज़रबंद है। वो साधवियां के शरीरक शोषण, पत्रकार छत्रपति का कतल ਅਤੇ रणजीत सिंह कतलकांड ਦੇ ਵਿੱਚ सज़ा कट रहे है ते इस बार पैरोल ते आउण तो बाद यह भी पता लग्या कि डेरा मुखी सिरसा ਜਾਂ ਫਿਰ राजस्थान ਦੇ डेरे ਵਿੱਚ रुक सकता है। इस वास्ते जानकारी ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। डेरा मुखी ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ पैरोल ਦਿੱਤੀ जा रही है ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ आदमपुर ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ है ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जोड़ के भी देखा जा रहा है। दसना बनता है कि इस तो पहला भी इसे ही साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ दो बार जेल तो बाहर आ चुका। फरवरी महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਤੇ आया ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जून महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ भी आ चुका है। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ जेल नियमां के अनुसार एक साल के विच लगभग उसनूं 90 दिन की छुट्टी मिल सकती है। उहदे विच 21 दिन की फरलो जिहड़ी ओह कट चुके है अते 70 दिन की पैरोल शामिल है। यह भी जानकारी मिली है कि जेल के विचों चिट्ठियां दे राहीं भी संदेश भेजे जा रहे हैं। जेल विचों लिखियां चिट्ठियां विच उन्होंने अपने प्रेमियों को संदेश दिता है कि उन्हां दी मुराद जल्दी पूरी होने वाली है। नाम चर्चा ते डेरे विच भी यह संदेश दिता जा रहा है कि पिता जी जल्द बाहर आउणगे। दसना बनता है कि रणजीत कतल केस दे विच उसनूं 20 साल की कैद, रामचंद्र छत्रपति कतल केस दे विच 20 साल की उम्र कैद अते साधवियां दे शरीरक शोषण दे विच 10-10 साल की कैद की उह सज़ा इस वक्त भुगत रहा है। पर आ जिहड़ियां पंचायती चोणां हो रहीआं ते उप चोणां उहदे तो पहलां पैरोल देण दीआं तिआरीआं कीतीआं जा रहीआं ने। ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਫਰਲੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਰਲੋ ਉਹਦੀ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। पर दूसरे पासे जिहड़े बंदी सिंह 20 साल तो 25 साल तो 27 साल तो जेलों दे विच बंद ने, सब तो वड्डी समस्या इत्थे पैदा हुंदी है कि उन्हां नूं पैरोल नहीं, उन्हां नूं कोई फरलो नहीं। इधरले पासे बहुत घनाउने जुर्म ने कि तुहानूं लोक मैसेंजर ऑफ गॉड समझदे होण, रब दा रूप समझदे होण ते तुहाडे उत्ते दोष लगे होण ते फिर तुसीं कन्विक्ट हो गए होवो शरीरक शोषण दे मामले विच। दो कतल तुहाडे ते सिद्ध हो गए होण, दोष सज़ा हो गई होवे, फिर भी फरलो, फिर भी पैरोल। इसे करके बंदी सिंघां दे रिहाई दा मुद्दा समय समय ते उठदा रहिंदा है। ते अगली जिहड़ी जानकारी आ खबर इह भी हरियाणा दे नाल संबंधित है, पर है बहुत दर्दनाक ते मंदभागी। हरियाणा दे कैथल दे विचों 7 वरियां दी एक बालड़ी दे नाल जबर जनाह अते उहदे तों बाद उहदा कतल कीते जाण दी खबर मिल रही है। वारदात तो बाद सबूत मिटाउण दे मकसद दे नाल उस बच्ची दे शरीर ते तेल छिड़क दिता गया अते उहनूं अग दे हवाले कर दिता गया। यह दर्दनाक घटना कैथल दे विच कलायत एरिया पैंदा ते उहदा कुराड़ पिंड है, कुराड़ पिंड विच वापरी दसी जा रही है अते बच्ची दी अध सड़ी लाश झाड़ियां दे विचों बरामद हुई है। इस घटना के संबंध में कुराड़ पिंड का एक नौजवान गिरफ्तार किया गया तो उसका नाम पवन दस्सिया जा रहा है। मारी गई मासूम बच्ची शनिचरवार दोपहर के लगभग 1:30 बजे पिंड के सरकारी स्कूल के कोलों लापता होती है। तकरीबन 24 घंटिया बाद ऐतवार के दोपहर के 2:30 बजे सी जदों इस बच्ची का शरीर अध सड़ी हालत के विच पिंड के खेड स्टेडियम के कोल कंडियालियां झाड़ियां के विच मिलता है। शरीर नूं खुर्द-बुर्द करन दे मकसद दे नाल उस नूं उह झाड़ियां विचों छुपाया गया सी। कैथल दे एसपी ने दस्सिया कि बच्ची दोषी पवन दे कोल अक्सर खेडण जाया करदी सी। शायद पवन ने इसे गल दा फायदा उठा लिया अते बच्ची नूं खिडाउण दे बहाने स्टेडियम वल लै तुरिया अते उत्थे उहने बच्ची नाल जबर जनाह कीता। जदों बच्ची ने चीख चिहाड़ा पाया, शोर मचाया तो पवन ने उसका मूँह बंद करके उसका कतल कर दिता, गल घुट दिता। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सबूत मिटाउण के मकसद ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ बच्ची के शरीर के ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ छिड़किया, अग लगा ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ शाम ਨੂੰ बच्ची के लापता ਹੋਣ ਦੀ सूचना मिली। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, बच्ची ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सूचना मिलण ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ बच्ची की खोज मुहिम शुरू कर ਦਿੱਤੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ खोज ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੱਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਕੁਰਾੜ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1:38 ਤੋਂ 1:41 के दरम्यान वह बच्ची को अपने नाल ले जाता नजर आता है और स्टेडियम वाल जा रहे हैं। जदों पवन तो पुछगिछ की गई तो मुढ़ली पुछगिछ विच ही पवन ने जबर जनाह करन तो बाद बच्ची का कतल करने की गल कबूल कर ली है। तो उहदे कबूलनामे तो बाद पवन के खिलाफ IPC दी धारावां जिस दे विच 376B 376A B 366A 302, 201 पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हुण हिसाब ला लो कि 7 वरियां की बालड़ी दे नाल घनाउणा काम किहो जिहा कीता है। ये साडे करैक्टर सर्टिफिकेट ने। अगली जिहड़ी खबर तुहाडे नाल सांझी करदे हां, 3 दिन पहलां तुहाडे नाल खबर सांझी कीती सी कि पंजाबी पहला मॉडल, फिर वह गायिका बनी, फिर वह बिग बॉस में चली गई तो अजकल अदाकारा भी है, शहनाज गिल। कि शहनाज गिल के पिता संतोखसिंह गिल नूं एक अणपछाते मोबाइल नंबर तो जानो मारन दी धमकी मिली सी। कहा सी कि दिवाली तो पहला पहला तेरे पटाके पा देंगे। उहदे तो बाद उन्होंने पुलिस नूं शिकायत कर दी सी। कहा सी कि जेकर कोई कार्रवाई ना हुई, क्योंकि 2019 भी 20 भी 21 भी उन्होंने धमकियां मिलियां तो हमला भी हो चुकिया सी, पर वो कहते सी 19 वाली गलों पर भी अज तक धमकियां ते कार्रवाई पुलिस ने कोई नहीं सी कीती। कहते सी 2 दिनों दे विच विच फिर मैं पंजाब छड्डण वास्ते मजबूर हो जागा। पर हुण पता लग्या कि धमकी देण वाले दी भाल कीती जा रही सी कि संतोख गिल नूं धमकियां कौन दे गया। वो धमकी देण वाला इन्हां दा एक पुराना गनमैन दस्सिया जा रहा है। दसना बनता कि संतोख गिल नूं फोन करने वाले मुलजम ने दिवाली तो पहला जानो मार की धमकी दी सी। इहदे तो पहला भी जंडियाला गुरु इलाके में संतोखसिंह गिल ते 2 मोटरसाइकिल ते सवार नौजवानों ने उन्हां दी कार ते गोलियां चला दित्तियां सी ते जानो मारन दी कोशिश कीती सी। संतोखसिंह गिल ने दस्सिया सी कि बीते शुक्रवार नूं वो किसी काम दे सिलसिले च अपनी कार दे राहीं तरनतारन वल जा रहा सी। उसे वक्त उन्होंने मोबाइल ते एक अणपछाते फोन तो कॉल आई। फोन करने वाले ने धमकी दी कि दिवाली तो पहला काम तमाम कर देंगे। हुण उन्हें यह भी आख्या सी धमकी देने वाले ने कि गोलियां नाल नहीं बल्कि टुकड़े किए जाएंगे। हुण पता लग गया कोई होर नहीं, इन्हां दा एक साबका ही गनमैन है। पर हुण जांच दा विषय कि साबका गनमैन ने धमकी क्यों दिती, कि कोई डिस्प्यूट सी, कि तंग परेशान किया जाता सी, जां फिर इन्हों दहलाउण वास्ते डराउण वास्ते उन्हें एक घनौना काम किया है। तो अगली जिहड़ी जानकारी है, मेघालिया के राजपाल के अहुदे तो कुछ क दिन पहला ही सेवा मुक्त होए ने सत्यापाल मलिक। अपने बयानों नूं लैके जदों राजपाल सी उदों भी चर्चा च, हुण सेवा मुक्त होने तो बाद भी चर्चा च ने। सत्यापाल मलिक का एक बयान सी, उन्हां दे बयान के आधार उत्ते ही हुण उन्हां तो पुछगिछ हुई है। असल दे विच बीते अप्रैल महीने विच जम्मू कश्मीर विच दर्ज होए भ्रिष्टाचार के 2 केसां के संबंध विच सत्यापाल मलिक कोलों ये पुछगिछ की गई है। अधिकारियों ने दस्सिया कि इस हफ्ते के शुरू के विच मलिक दे वल्लों लगाए गए दोषां के वेरवे हासिल किए गए है। 4 अक्तूबर नूं सत्यापाल मलिक का राजपाल दे वल्लों 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने तो बाद उन्हां तों पुछगिछ की गई है। उन्होंने 2017 में बिहार का राजपाल नियुक्त किया गया सी। 2018 में उन्होंने जम्मू कश्मीर भेज दिता गया सी, जिथे उन्होंने अगस्त 2019 के विच धारा 370 रद्द किए जाने की निगरानी की सी। मलिक ने दावा किया कि 23 अगस्त 2018 तो 30 अक्तूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राजपाल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2 फाइलों को मंजूरी देने के वास्ते 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई सी। उन्होंने कहा सी कि कश्मीर जाने 2 फाइलों मेरे को आईया। वो व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री का काफ़ी नेड़ला व्यक्ति दस रहा सी। मैनू 2 विभागों के सकत्तरा ने जानकारी दी सी कि इन्होंने सौदों के घपला भी होया। सत्यापाल मलिक के इन्हों दोषों की हुण CBI जाँच कर रही है। इस मामले के CBI जाँच के ऐलान बारे मलिक ने इस साल अप्रैल के कहा कि वह CBI जाँच लिए तैयार ने और जाँच में जिहड़ी भी जानकारी उन्हां कोले है वो जानकारी जरूर देणगे। पर हुण हैरानी है कि सीधा कोई फोन नहीं करता, भावें ऑपरेशन लोटस का जिक्र करिए, भावें सत्यापाल मलिक वाले केस का जिक्र करिए। दस्सिया इहो ही जांदा है कि मैं फलाणे बंदे दा खास वखासा आ काम कर दिओ जां मैं तुहाडा काम करवा दिआंगा। ये अपने आप दे विच सच विच बहुत महत्वपूर्ण, देखदे हां कि इस केस के विचों की कुछ निकलता है। तो अगली खबर है हरियाणा सरकार ते नाल, ये भी राजपाल दे नाल संबंधित खबर है। भारतीय हवाई सेना की 90वीं वरेगंढ मनाई जा रही है। उस मौके ते तुहानू याद होना कल के प्रोग्राम दौरान खबर सांझी कीती सी कि पहला तां पंजाब के राजपाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की गैर हाजिरी ते सवाल चुके, जिस तो बाद अकाली दल ने भी भाजपा ने भी विरोध किया, बुरा मनाया सी। पंजाब की सियासत गरमा गई ते दूसरे पासे पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने आख्या सी कि राजपाल साहब नूं बेनती आ कि वह पंजाब की सियासत दे विच अपनी लत्तां ना फसाउण। हाले उस खबर की स्याही भी नहीं सुकी। इसे समागम के विच एयर शो के दौरान हरियाणा के राजपाल बंडारू दत्तात्रेय उन्हां दे बैठण का जिहड़ा प्रबंध किया गया उहदे कारण हुण विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार ने नाराज़गी प्रगटाई है और केंद्र सरकार दे कोल शिकायत करने की तैयारी भी वढ लई है। असल दे विच सुखना झील ते चल रहे एयर शो के दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सज्जे पासे पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित अते यूटी के प्रशासक उन्हां दी कुर्सी ढाह दी गई, जदों कि राष्ट्रपति के खब्बे पासे हवाई फौज के मुखी एयर चीफ मार्शल VR चौधरी अते उन्हां दी धर्म पत्नी की कुर्सी ढाह दी गई अते हरियाणा के राजपाल बंडारू दत्तात्रेय की कुर्सी राष्ट्रपति की कुर्सी तो दो कुर्सियां छड़ के ढाह दी गई, जिसते हरियाणा सरकार ने सख्त इतराज किया है। हरियाणा सरकार का कहना कि नियमां के अनुसार हरियाणा के राजपाल की कुर्सी भी राष्ट्रपति की कुर्सी के नाल ही डाही जानी चाहिए सी। यह भी जानकारी मिली है कि ऐतवार का दिन होने के कारण हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के कोल शिकायत की नहीं, पर तैयारी पूरी है। अज सोमवार नूं यह मुद्दा यह शिकायत केंद्र सरकार कोल कीते जाण दी पूरी संभावना है। हरियाणा सरकार के अधिकारी कहिंदे है कि राष्ट्रपति के समागम दे विच जेकर उपराष्ट्रपति जेकर प्रधानमंत्री ना होण तां फिर राजपाल की कुर्सी राष्ट्रपति के नाल डाही जाती है, जदों कि यूटी दे जिहड़े प्रशासक ने उन्हां दे सलाहकार ने धर्मपाल उन्होंने पूछ लिया गया कि भाई आ विवाद खड़ा हो गया, तुसीं दसो आ कुर्सियां किहनूं पुछ के डाईआं सी। वो कहते एयर शो के दौरान बैठण का जिहड़ा प्रबंध है नियमां के अनुसार किया गया। वो कहते इस तरह के समागम दे विच राष्ट्रपति की कुर्सी के नाल समागम का प्रबंध करने वाले की कुर्सी डाही जाती है तां जो समागम की जानकारी मुख्य मेहमान नूं दित्ती जा सके, क्योंकि एक पासे यूटी के प्रशासक ते पंजाब के राजपाल ने बनवारी लाल पुरोहित वो कहते उन्होंने डाह दी कि जेकर कुछ पूछना हो तो राष्ट्रपति उन्होंने पूछ सकते हैं, दूसरे पासे एयर चीफ मार्शल की कुर्सी डाह दी कि जेकर हवाई फौज के बाबत कुछ पूछना हो तो उन्होंने पूछ सकते हैं। पर कुर्सी के डाहण नूं लैके बहुत वड्डा बखेड़ा खड़ा हो गया। हरियाणा सरकार इस वक्त डाढ़ी नाराज़ है और केंद्र नूं शिकायत अज करन दी वो पूरी तैयारी च है। दोस्तों ये सी कुल मिला के अपना अज का प्रोग्राम, उम्मीद कर रहे हैं तुहानूं चंगा लग्या होएगा। जेकर प्रोग्राम चंगा लगे तो कृपा करके लाइक और शेयर जरूर कर दिओ। जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। हुण समा समाप्त है, जाण तो पहलां कहांगा जिंदगी जिंदादरी दा नाम है। दविंदर सिंह बैनीपाल नूं आग्या दिओ। सत श्री अकाल, तेरा बराखा।